लोग सुखी तो होना चाहते हैं, मगर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अटैचमेंट जिंदगी में रखते हैं और फिर सुखी नहीं होते। तो आज बताने वाला हूँ मैं कि भाई अटैचमेंट कैसे छोड़े या अटैचमेंट को कैसे प्रेजेंट हो जाए ताकि जीवन में आप खुश रह सकते हैं, सुखी हो सकते हो। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, संबोधन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, बॉम्बे या हमारे हॉस्पिटल से वहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं। व्यसनमुक्त भारत और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य ये हमारा मिशन है और हर एक को पावरफुल बनाना ये भी हम करते रहते हैं। काफ़ी लोग मेरे पास में आते हैं कि भाई दुख है, डिप्रेस है, सैड है। फिर जब काउंसिलिंग सेशन होते रहता है, वो काउंसिलिंग में जब पूछते रहता हूँ मैं, तो मुझे पता लगता है कि लोग है ना चीज़ों का अटैच है, मतलब बहुत लगाव है लोगों का, बहुत इमोशनली लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं कोई भी चीज़ में। मतलब अपने जानवर तक, कुत्ते तक लोग इतने इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं कि जानवर की डेथ यदि हो गई तो वो बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो बाकी तो बात ही छोड़ो, टीवी होगा, फ्रीज होगा या कोई बाइक होंगी, इमोशनली अटैच जीवित लोगों से तो इतने अटैच हो जाते हैं अपने आजू बाजू के, उनको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी हो जाते हैं उसके। तो उनका सुख और दुख लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाता है। सुखी है तो लोगों की वजह से, दुखी है तो लोगों की वजह से। क्या होता है कि हमारे दिमाग में ऐसी एक इमेजेस है, मतलब ऐसी कल्पना है, कल्पना चित्र है कि लोगों ने इस तरह से बर्ताव करना चाहिए, मेरे जो रिश्तेदार है उन्होंने ऐसा बर्ताव करना चाहिए, मेरे पति ऐसे होने चाहिए, मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए। और उसके मेरे दिमाग में ऐसे कुछ उसकी कहानियाँ हैं, उसकी स्टोरीज है, उसके पिक्चर है, कल्पना चित्र है, और वो यदि नहीं हुआ तो फिर मेरा दुख शुरू हो जाता है। मुझे अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस है, और वैसा यदि नहीं होता है तो फिर मुझे दुख होता है। शादी के पहले मुझे ऐसी कुछ अपेक्षा रहती कि मैं मेरी पत्नी ऐसी होंगी, इस तरह की होंगी, उस तरह की होंगी, या पति ऐसा होगा, और वो नहीं मिलता है, वो जो स्टोरी मैंने बना के रखी उसमें वो मैच नहीं करता है, तो फिर दुख शुरू। आपको ये अटैचमेंट छोड़ना चाहिए, उसके लिए ये ख्याल में रखना चाहिए कि भाई ज़िंदगी में मैं रोल प्ले कर रहा हूँ। अलग अलग जगह हम रोल प्ले करते हैं। पति पत्नी का रोल घर में है, तो बाप बेटे का रोल भी घर में है। ऑफिस में हम जाते हैं तो वहाँ तो हम पति नहीं रहते या पत्नी नहीं रहते, वहाँ तो हम एक कर्मचारी रहते हैं, स्टाफ रहते हैं। हम घर में आएंगे तो हम बॉस और कर्मचारी, ऐसा रिश्ता तो नहीं है वहाँ अलग। तो हम यदि रोल में अलग अलग जा रहे हैं और रोल में जाके यदि वो खेल खेल रहे लाइफ का, तो अटैचमेंट कम हो जाएगा। घर में कहाँ बॉस है और ऑफिस में कहाँ पत्नी है, वहाँ तो है नहीं। तो फिर हम ये देख लेंगे कि भाई हम अंदर से कैसे स्टेबल हो जाएंगे और डिटैच व्यू से जिंदगी को कैसे देखेंगे, वो बहुत महत्व का है। जब हम लोगों से अटैच हो जाते हैं, स्टोरीज देते हैं, मीनिंग देते हैं, कुछ ना कुछ उसके साथ में लगाव लगाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि मैं अंदर से स्टेबल नहीं हूँ। अंदर से स्टेबल होना जरूरी है। सुख में ना सुख है, दुख में ना दुख है, सित्त प्रज्ञता, और वो यदि मेरा है तो फिर मैं बाहर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहूँगा। प्यार के लिए मैं डिपेंड नहीं रहूँगा, स्टेबिलिटी के लिए मैं डिपेंड नहीं रहूँगा, मैं अटैचमेंट नहीं डालूँगा वहाँ कुछ भी, अटैचमेंट मैं रखूँगा भी नहीं, और मुझे स्थित प्रज्ञ होना पड़ेगा। और होके यदि मैं रहता हूँ तो फिर मेरा आप ही आप डिटैचमेंट हो जाएगा। सुख में सुख नहीं, दुख में दुख नहीं, ऐसा यदि मैं रहता हूँ, मतलब एक जीवन की तरफ एक स्थित प्रज्ञ होकर एक थर्ड पार्टी करके देखता हूँ और मेरा अलग 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 रोल प्ले कर रहा हूँ ऐसा मैं देखता हूँ, तो ज़िंदगी जीने में बहुत मज़ा आ जाएगा, स्टेबिलिटी रहेगी और मैं इंडिपेंडेंटली मेरा जीवन जीऊँगा, जिसमें मेरा जीना लोगों के ऊपर नहीं है, मेरा कंट्रोल लोगों के हाथ में नहीं है, मेरा रिमोट कंट्रोल लोगों के हाथ में नहीं है। और उसमें और एक बात ऐसी है कि ये मैं यदि करता हूँ तो लोग जैसे है वैसे मैं उनको देखूँगा, ना कि मेरे अंदर दिमाग में जो चीज़ है वहाँ से उनको देखूँगा, वैसा नहीं करूँगा मैं, जैसे है वैसे है। और जब मैं लोग जैसे है वैसे है, परिस्थिति जैसी है वैसी है, उसको जब देखूँगा और जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, उसका स्वीकार कर लूँगा, तो जीना बहुत आसान हो जाएगा। ना कि जैसी मुझे चाहिए वैसा होना चाहिए, मुझे जो कल्पना चित्र है वैसे लोग होना चाहिए, वैसी परिस्थिति होना चाहिए, ऐसा ना होते जैसे लोग है वैसा उसका मैं स्वीकार कर लेता हूँ, तो डेफिनेटली मेरा जीवन जीना बहुत ही आसान हो जाएगा,
जीवन में प्यार आ जाएगा, जीवन में शांति खुशियाँ आ जाएगी। तो आज से ये तय कर लो कि बिना अटैचमेंट का, मतलब डिटैच होकर जीवन जीने का है, नॉट गेटिंग इमोशनली इन्वॉल्व, बहुत ही ज़्यादा भावना प्रधान होकर अटैचमेंट होकर ऐसा जीने का नहीं है, तो जीवन जीने में मज़ा भी आ जाएगा, शांति भी आ जाएगी। काफ़ी सारे हजारों लोग हैं उनको जीवन जीने में इतनी अशांति है, लोगों के जीवन में शांति नहीं है, परेशान लोग हैं, दौड़ रहे हैं। लोगों को यदि ये मिल जाएंगे ना वीडियो, लोगों का जीवन काफ़ी शांतिपूर्ण हो जाएगा। आप आपके ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो फैलाओ, व्हाट्सएप के, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर फैलाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और अपना जीवन शांति से जी सकेंगे। आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और वहाँ घंटी का चिन्ह जो आता है ना उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।